एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, या लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देगा, ये एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर कैन एक्ट लाइक एम्पलीफायर, हमने देख लिया कि अगर वो अपने नॉर्मल करंट को भी, जैसे कॉमन एमिटर जैसा एम्पलीफायर, नॉर्मल करंट को भी अगर वो माइक्रो से मिली कर रहा है, 1000 गुना बड़ा कर रहा है, तो हम अपनी आवाज़ को मिक्स करके बीच में अपनी आवाज़ को भी उतने टाइम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये एम्पलीफिकेशन है। अब एम्पलीफायर इसके अंदर जो एक्सप्लेन्ड है वो दो किस्म के एक्सप्लेन्ड है। पहला एम्पलीफायर है कॉमन बेस और दूसरा एम्पलीफायर है कॉमन एमिटर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में पूरी थ्योरी गिवन है जो हमने नहीं करनी। मैंने एक लाइन में बता दिया, कॉमन बेस के अंदर एम्पलीफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इनपुट करंट और आउटपुट करंट मिली मिली एम्पियर में होता है, पर फिर भी एम्पलीफिकेशन तो होती है। कॉमन एमीटर के अंदर एम्पलीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो माइक्रो से मिली कर देते हैं। ठीक है, तो हमने करेक्टरिस्टिक से ही देख लिया कि कैसे एम्पलीफिकेशन होती है, अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन जो इस पे आता है, कॉमन बेस के अंदर जो एम्पलीफायर होता है उसमें इनपुट और आउटपुट, उसमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल आर इन फेज। इन फेज का मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, और इसका मतलब ये है अगर क्रेस्ट आ रहा है तो एम्पलीफाइड क्रेस्ट ही बनेगा, और अगर ट्रफ आ रहा है तो एक बड़ा ट्रफ ही बनेगा। तो मतलब अगर क्रेस्ट आ रहा है तो क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ बनेगा, फेज डिफरेंस 0 इन फेज है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन फेज। किसकी बात हो रही है? कॉमन बेस की। कॉमन एमीटर में ऐसा नहीं होता। कॉमन एमीटर में अगर क्रेस्ट आ रहा है तो वो ट्रफ बन जाता है, और ट्रफ आ रहा है तो क्रेस्ट बन जाता है, एम्पलीफाइड क्रेस्ट बन जाता है। बड़ा तो होता है पर 180 फेज डिफरेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में, बहुत आता है, कॉमन एमीटर में इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 180। कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट सिग्नल में फेज डिफरेंस कितना है? 0। पहला डिफरेंस क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो कॉमन बेस में कोई चेंज नहीं है, कॉमन एमिटर में उल्टा सिग्नल होके बाहर आता है, साइकिल्स उल्टे हो जाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। ठीक, तो इसके अंदर ये कॉमन बेस से स्टार्ट करता है, कॉमन बेस की वर्किंग समझाता है, हमने नहीं करनी इसकी थ्योरी वर्किंग, हमें पता है कि ये कैसे एम्पलीफिकेशन करता है करेक्टरिस्टिक से। हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन बेस में जो हमारी काम की चीज़ है, हमारी काम की चीज़ है ये गेन्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, गेन्स, गेन्स इन एम्पलीफायर। गेन्स इन एम्पलीफायर के अंदर सबसे पहले ये कौन सी, किस एम्पलीफायर की बात हो रही है? कॉमन बेस की। तो ये फिर से बना लो प्लीज, ये भूलना नहीं है। इसके अंदर ये कॉमन बेस है, और कॉमन बेस के अंदर एक बार फिर से बना लो, बेस कॉमन है, लेफ्ट में कौन है? एमीटर है। राइट में कलेक्टर है, यानी कि इनपुट में कौन है? एमीटर है, और आउटपुट में कौन है? कलेक्टर है। प्लीज ये फिर से एक बार बना लो अच्छे से, क्योंकि गेन्स इसी के ऊपर बेस्ड है सारे। फिर से बना लो। के ऊपर लिख लो ये। देखो, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा गेन है? करंट गेन है। करंट गेन दो किस्म का होता है, एक डीसी करंट गेन, एक एसी करंट गेन। डीसी करंट गेन है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब चेक करो अपने टेबल में, आउटपुट में कौन है? इसमें कलेक्टर। इनपुट में कौन है? एमीटर। बस यहां से टेबल देखते जाओ, आउटपुट बाय इनपुट। तो अल्फा डीसी करंट गेन क्या होगा? आईसी बाय आई, पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है एसी करंट गेन। एसी करंट गेन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अल्फा एसी। एसी करंट गेन में चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। चेंज में आउटपुट में कौन है? कलेक्टर।
इनपुट में कौन है? एमीटर, दूसरा फॉर्मूला, ठीक हो गया, आउटपुट बाय इनपुट कर लिया। तीसरा फॉर्मूला एसी वोल्टेज गेन, इसको एवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट में कौन है? कलेक्टर। इनपुट में कौन है? एमीटर। तो एमीटर लिखना है, एमीटर लिख लो, आई लिखना है, आई लिख लो, इनपुट स्टैंड फॉर आई। तो इसी को और मॉडिफाई कर लो, वोल्टेज ओम लॉ लगा लो, आई इंटू आर, तो डेल्टा वी सी में डेल्टा आई सी इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी कि आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, और डेल्टा वी आई में इनपुट करंट इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसकी रेशियो हम अभी कर चुके हैं एसी करंट गेन, और आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, क्लियर है यहां तक? मेन तो वही है, आउटपुट और इनपुट। नेक्स्ट फॉर्मूला है एसी पावर गेन। एसी पावर गेन का पहला फॉर्मूला, चेंज इन आउटपुट पावर, आउटपुट पावर क्या है? वी इन टू आई, चेंज बोलना है इसमें, डेल्टा वी सी, आउटपुट में कौन है? कलेक्टर, इनपुट में कौन है? एमीटर। तो आउटपुट में कलेक्टर, इनपुट में एमीटर, तो ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा। तो यहां से इसकी रेशियो को क्या बोल सकते हैं? एसी वोल्टेज गेन, और ये क्या चीज है? एसी करंट गेन। आंसर तो स्टार्ट तो वहीं से करना है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है यहां तक? उसी तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, एसी पावर गेन का दूसरा फॉर्मूला ये देख लो, आई स्क्वायर आर लगा लो, आई स्क्वायर आर में आउटपुट में कौन है? कलेक्टर, आउटपुट में आर ओ, इनपुट में कौन है? एमीटर, इनपुट में आर आई। इसको क्या बोल सकते हैं? एसी करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कैसे गेन्स आएंगे और गेन्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला ये सारे यूज होंगे, तो ये अच्छे से आपने देखने हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में बता चुका हूं कि सिग्नल को उल्टा कर देता है, ये देखो ये क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट बन गया, उल्टा सिग्नल कर देगा, 180 का फेज शिफ्ट है। इसकी वर्किंग की बजाय सीधा गेन्स पे चलते हैं, इसके गेन्स के ऊपर आ जाओ, ये रेस के गेन्स, इसके गेन्स पे आओ। इसके गेन्स के अंदर आप फिर से लिखो, सबसे पहले ये क्या है? कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में ये रहा एमीटर, ये रहा बेस और ये रहा कलेक्टर। आउटपुट में कौन है? कलेक्टर। इनपुट में कौन है? बेस। ये फिर से लिख लो प्लीज एक बार, ये फिर से लिख लो इसके ऊपर। देखो इसके अंदर फिर स्टार्ट करते हैं, डीसी करंट गेन। डीसी करंट गेन को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें बीटा, तो कॉमन बेस में था अल्फा, इसमें कौन है? बीटा। फिर से आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट में कौन है? कलेक्टर, इनपुट में कौन है? बेस। चेक कर लो टेबल में लिखवाया, आउटपुट में कलेक्टर, इनपुट में बेस। एक काम करो, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली आई ई क्या है? आई बी प्लस आई सी, या आई बी क्या होगा? आई ई माइनस आई सी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो आई ई के साथ, तो ये आई ई इसके नीचे आई ई, ये वन हो गया। तो इसके अंदर याद करो आई सी बाय आई ई, ये कॉमन बेस का एसी करंट गेन था, कॉमन बेस वाले का अल्फा, तो बीटा और ये भी अल्फा हो गया। तो बीटा का और अल्फा का रिलेशन पेपर में बहुत आता है, बीटा का मतलब करंट गेन किसका? कॉमन एमीटर का। अल्फा का मतलब करंट गेन किसका? कॉमन बेस का। तो आपस में कैसे रिलेटेड है? बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क करो। नेक्स्ट क्या है? एसी करंट गेन। एसी करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा एसी। कॉमन एमीटर के गेन्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन बेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला यूज होंगे। तो बीटा एसी क्या होगा? चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। आउटपुट में कौन है? कलेक्टर। इनपुट में कौन है? बेस, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस होती है जीएम, दैट इज चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। करंट नहीं, वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट करंट। आउटपुट में कौन है? कलेक्टर, इनपुट वोल्टेज। इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है,
डेल्टा आई बी से मल्टीप्लाई और डेल्टा आई बी से इसे डिवाइड कर दिया राइट साइड को, वो इसलिए क्योंकि ये क्या बना, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट इज बीटा ए सी, ये सी करंट गेन है, और ये क्या बना, करंट अपॉन वोल्टेज क्या होती है, वन बाय रेजिस्टेंस, तो ये क्योंकि क्या चल रहा है सेक्शन इनपुट, तो ये क्या बनेगी इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला काम अगर आया ट्रांसकंडक्टेंस, तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज गेन। एसी वोल्टेज गेन क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट में आई लिखना है आई लिख लो, बी लिखना है बी लिख लेना। तो यहां पर ओम ना लगा सकते हो, चेंज इन वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये आउटपुट करंट है और आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो ये इनपुट है बेस, इसमें इनपुट है और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसकी रेशियो को लिख सकते हैं एसी करंट गेन और इसको रेजिस्टेंस गेन। तो पहला फॉर्मूला वही है आउटपुट बाय इनपुट। एसी पावर गेन वही सेम चीज आई स्क्वायर आर, आउटपुट चेंज इन आउटपुट पावर बाय चेंज इन इनपुट पावर। आउटपुट में कौन है कलेक्टर, इनपुट में कौन है बेस, तो इसकी जगह लिख सकते हैं बीटा एसी इसका स्क्वायर और ये रेजिस्टेंस गेन। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, बस सफिशिएंट है। ठीक,